रीवा के संजय गांधी अस्पताल के सामने से डॉक्टर कॉलोनी के लिए जाने वाली रास्ते में सुरक्षा का हवाला देकर मेडिकल कॉलेज अध्ययनरत MBBS के छात्रों के द्वारा राहगीरों के साथ मारपीट की जाती है, जिसकी शिकायत पर आज अमहिया थाना पुलिस ने 4 छात्रों पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर कॉलोनी के लिए जाने वाले इस रास्ते को आम लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है तथा पास में ही गर्ल्स हॉस्टल होने की वजह से लड़कियों में असुरक्षा की भावना रहती है तथा इस रास्ते से असामाजिक तत्वों का आना जाना भी होता है, जिसकी वजह से छात्रों के द्वारा राहगीरों के साथ अभद्रता का बर्ताव किया जाता है। संजय गांधी अस्पताल के पीछे की तरफ से रास्ते में प्रवेश करने पर जूनियर डॉक्टरों की अभद्रता का लोगों को सामना करना पड़ता है। इस मार्ग का इस्तेमाल काफ़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचने के लिए करते हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर उनको रोककर मारपीट कर इस मार्ग में प्रवेश से मना करते हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन भी अब जल्द समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है। मामला संजय गांधी अस्पताल के पीछे तरफ स्थित मार्ग का है। दरअसल यह सड़क अमहिया मार्ग से सीधे रिफ्यूजी कॉलोनी होते हुए अस्पताल परिसर में प्रवेश करती है। अस्पताल चौराहे में लगने वाले जाम और भीड़भाड़ की वजह से ज़्यादातर वाहन चालक जल्दी अस्पताल पहुंचने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, जो समय तत्काल अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इस मार्ग पर जूनियर डॉक्टरों की अभद्रता का लोगों को सामना करना पड़ता है। शाम 7 बजे के बाद अस्पताल जूनियर डॉक्टर यहाँ घूमते मिल जाते हैं, जो रास्ते से गुजरने वाले लोगों को रोककर उनके साथ अभद्रता व मारपीट करते हैं और उनको दोबारा इस मार्ग से ना आने की धमकियां भी दे रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन विवाद की इस स्थिति को जल्द सुलझाने का प्रयास कर रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों पूर्व जूनियर डॉक्टरों ने इसी मार्ग पर एक युवक के साथ मारपीट की थी। अशफाक खान 22 वर्ष निवासी अर्जुन नगर अस्पताल जा रहा था, जिसके साथ 4 की संख्या में जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की और उसका मोबाइल छीन लिया था। युवक ने शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मेडिकल करवा दिया तथा बाद में पुनः जूनियर डॉक्टरों ने युवक को धमकाया, जिसने थाने में आकर पुलिस को जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने 4 जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर इन जूनियर डॉक्टरों की पहचान कर रही है। दरअसल यह मार्ग डॉक्टर कॉलोनी की है, जिसका उपयोग सिर्फ चिकित्सक कर सकते हैं, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से इस मार्ग का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यहाँ पर छात्राओं के छात्रावास भी स्थित है, जहाँ अक्सर रात में छात्राएं अस्पताल आती जाती हैं। मार्ग खुला होने से असामाजिक तत्व परिसर में प्रवेश कर जाते हैं और छात्राओं के साथ छींटाकशी और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि जूनियर डॉक्टर इस मार्ग को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि रात के समय परिसर में असामाजिक तत्व प्रवेश न कर पाएं। पिछले 10 दिनों के दौरान 2 घटनाओं ने उनके आक्रोश को और बढ़ा दिया है। फलस्वरूप अस्पताल के चिकित्सक इस मार्ग को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। आप ही के माध्यम से मुझे ये जानकारी हुई कि हमारे यहाँ के छात्रों के विरुद्ध किसी ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। मैंने अमैया थाने के TI से भी बात की तो इस बात को कन्फर्म किया उन्होंने कि हाँ, कल एक FIR हुई है, जिसमें हमारे यहाँ के हॉस्टल के छात्रों के विरुद्ध किसी ने FIR दर्ज कराई है। अब चूंकि ये घटना अभी आपके माध्यम से ही पता लगी है और अभी हमको इसके विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है कि FIR क्या हुई है, आएगा वहाँ से जानकारी तो पता लगेगी और हम देखेंगे कि इसमें किसके विरुद्ध हुई है, घटना कब की है, कहाँ की है, क्या है और क्यों हुई है। ऐसा मेडिकल छात्रों से अपेक्षित नहीं है। सामान्य तौर पर वो इस तरह की हरकतें करते नहीं हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर अगर ऐसा हो रहा है तो ये पता करना पड़ेगा कि कारण क्या है। आप हमारे अस्पताल के पीछे के गेट की बात कर रहे हैं, जो आम रास्ते के रूप में इस्तेमाल होने लगा है, बिल्कुल सही बात है। ये पीछे ये हमारा जो पूरा परिसर है महाविद्यालय का, ये क्लोज कैंपस है, लेकिन 2-3 साल पहले किसी दबाव में वो रास्ता खोल दिया गया था, जब शायद पहले कुछ काम चल रहा था तो उस समय तात्कालिक आवश्यकता रही होगी प्रशासन को, तो उस समय खुलवा दिया था। फिर वो धीरे धीरे ऐसा आम रास्ता हो गया कि लोग उससे आने जाने लगे, बड़ी गाड़ियाँ आने जाने लगी। और हमारे यहाँ हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, रात में बिरात भी लड़कियाँ आती जाती रहती हैं ड्यूटी पे, तो असुरक्षा की भावना तो हमेशा बनी रहती है। 1-2 छिटपिट घटनाएँ भी हुई हैं लूटपाट की अभी कुछ दिनों में, हाल ही में, तो छात्रों का विरोध हमेशा इस बात को रहता है कि इसको जो है कवर्ड कैंपस रहना चाहिए और इस बात को लेकर उनका विरोध रहेगा। अभी उन्होंने बड़े तेज़ी से मांग की थी इस बात को लेकर, हमने भी प्रशासन, हमारे चिकित्सालय और महाविद्यालय प्रशासन ने बात की थी अधिकारियों से और उनकी तरफ से आश्वासन मिला था और ये भी कहा गया है कि आपको उसे बंद करना चाहिए। उस पर कार्रवाई चल रही है, मेरे ख्याल से 10 दिन में वो रास्ता हम बंद कर देंगे।
मामला ये है कि ये जूनियर डॉक्टर्स जो स्टूडेंट हैं मेडिकल के, यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, सफारी होटल के पास इनका हॉस्टल बना हुआ है। और विगत दिवस किसी व्यक्ति के साथ, अशफाक खान नामक लड़के के साथ, इन लोगों ने मारपीट की है बेवजह, जिस पर से धारा 294, 323, 534 में मामला पंजीबद्ध किया गया है और उनकी शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं कि वो कौन छात्र थे जिन्होंने मारपीट की। जूनियर डॉक्टर नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स ही हैं अभी MBBS के, उन्हीं लोगों पर मामला पंजीबद्ध। रास्ते से निकलने के लिए? हाँ, ऐसा उनका कहना है कि हमारा प्रमाइसिस है, हम यहाँ से किसी को नहीं निकलने देंगे। कुछ दिन पूर्व इन्होंने रास्ता भी बंद कर दिया था अनधिकृत रूप से, जिसको समझा के मैंने खुलवा दिया था, और उसके बाद उन्होंने जो है इस वारदात को अंजाम दे दिया। कुल कितने लोगों के ऊपर FIR? लगभग 4 लोगों पर FIR।